नमस्कार सभी को, मैं रवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो 12th क्लास फिजिक्स में कल मैंने आपको गॉस थ्योरम के एक एप्लीकेशन को करा दिया था। तो हेडिंग मेन क्या है आपकी, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट एप्लीकेशन था मैंने आपको करा दिया था, एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ का था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपने पढ़ लिया था। आइए सेकंड हेडिंग की ओर चलते हैं। तो सेकंड हेडिंग हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है आपको। तो सेकंड हेडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह दे तो भी सेम बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है एक, है ना, सीट। तो नॉन कंडक्टिंग आप समझते हैं, नॉन कंडक्टिंग है ना, यानी कंडक्टिंग जिसमें चार्ज करंट फ्लो हो जाता है, नॉन कंडक्टिंग जिसमें फ्लो नहीं होता है। तो एक प्लेट लेंगे नॉन कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज, और इस पर क्या है, चार्ज है, तो वो कैसी है, चार्ज, ठीक है। और प्लेट कह सकते हो या सीट कह सकते हो, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। जैसे आपने देखा था ना कल जो वायर था वो, उसकी लेंथ कैसी मानी थी हमें पता नहीं थी, तो हमने कितनी मानी, इनफाइनाइट। तो यहाँ भी इस प्लेट की लेंथ कहाँ तक है ना, और एक्सटेंशन है ना, तो उसका एक्सटेंशन, इसका फैलाव कहाँ तक है, प्लेट का लेंथ कहाँ तक है, ब्रेथ कहाँ तक है ना, इस बात का हमें पता नहीं है, तो हमने इसका एक्सटेंशन कैसा मान लिया है, इनफाइनाइट। बात समझ में आई। तो एक प्लेट है, देखो प्लेट इस तरीके से रखनी है, इस तरीके से, ठीक है, तो एक प्लेट है तो इस तरीके से रखेंगे, तो इस तरीके से बना लेंगे, तो ये जो इस तरीके से बना रहे हैं इसका कारण भी है, देखो इस तरीके से सीधी नहीं बना रहे हैं ना, क्योंकि हमें एक्सटेंशन पता नहीं है इसका। यदि इसका एक्सटेंशन पता होता तो बिल्कुल है ना सीधी सीधी लाइन खींचते। इस तरीके से खींचने का एक ही मतलब है कि इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है हमें पता नहीं है, तो इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लेट है, इस तरीके से रखी है, थोड़ी तिरछी है ना, इसका सेंटर मान लो ओ हो जाएगा, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर मान लो निकालना है। और इस देखो ये तो ऐसे रखी है, तो इसके इधर भी हो सकता है आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी, और इस साइड भी हो सकता है, तो पीछे भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से बना लो। बात समझ में आ रही है, इसे थोड़ी और ऊंची सी कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लेट है, और ये पॉइंट पी सेंटर ओ से इधर आर डिस्टेंस पर, यहाँ भी हो सकता है, और जितनी डिस्टेंस आगे है उतनी डिस्टेंस पीछे भी ये पॉइंट हो सकता है, क्लियर है। ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के चारों ओर है ना एक सरफेस ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी, जिसे आप गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस और ड्रॉ कर लो इस तरीके से, पॉइंट पी के चारों ओर, ये पॉइंट पी है ना आपका, तो पॉइंट पी के चारों ओर एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, और वो इमेजिनरी सरफेस होगा जिसे गॉसियन सरफेस कहते थे। कल भी एक सिलेंडर ड्रॉ किया था ना, तो आज भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट पी के चारों ओर। पॉइंट पी ये है, और पॉइंट पी के चारों ओर इस तरीके से है ना, ये है ना, तो इधर भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि हमें निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्मॉल आर डिस्टेंस आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। तो यहाँ भी देखो इस तरीके से ड्रॉ करो, और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि दोनों का एरिया कैसा रहे सेम, और एरिया सेम कैसा रहेगा जब आप इसे ऐसे मिला देंगे दोनों को, तो पता चल जाएगा कि एरिया सेम है या नहीं, इस तरीके से है ना। बात समझ पा रहे हैं, इन्हें सेम मिला देंगे तो पता चल जाएगा कि एरिया कैसा है सेम, है ना, ताकि ये एक सीध में लगे, है ना, एक सीध में लगनी चाहिए ये, तो आप स्केल से बना लेंगे ताकि एक सीध में लगे, इस तरीके से है ना, एक सीध में होनी चाहिए, और ऐसे यहाँ एक सीध में होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये इन्हें क्यों मिलाया, ताकि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये बन पाए, इस कारण से है ना। तो इसे भी बना लो, ड्रॉ करो
एक सिलेंड्रिकल सरफेस, कल भी तो सिलेंड्रिकल सरफेस बना ड्रॉ किया था, और इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये आपका सरफेस बन जाएगा, इमेजिनरी सरफेस है सारा जो दिख रहा है आपको, और इसे क्या कहा जाता है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्या नाम दिया इसे, गॉसियन सरफेस, यहाँ लिख देता हूँ। और गॉसियन सरफेस इसका नाम क्यों है आप जानते हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प ले रहे हैं, है ना, इसी कारण उसके मेथड में जो सरफेस ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी उसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ये पॉइंट पी है आपका, और पॉइंट पी पर देखो इसका जो एरिया है वो मान लो डी ए है, स्मॉल एरिया। ठीक है, तो स्मॉल एरिया वेक्टर जो है वो कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये बता रखा है, तो वेक्टर डी ए इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी मान लो है ना, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लेट है ना चार्ज है, यहाँ लिखा है चार्ज, तो ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। इस प्लेट को कैसा मानो, पॉजिटिवली चार्ज, यानी इस प्लेट पर हर जगह पॉजिटिव आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो पॉजिटिव, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से एंटर, वो क्या होती हैं, एग्जिट करती हैं, निकलती हैं, तो ये निकल के दूर जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार देखो वहाँ पे पॉइंट पी है, तो यहाँ पॉइंट हो सकता है, इसे क्यों मान लो चाहे, है ना, इस पॉइंट को क्यों मान लो, तो यहाँ भी देखो जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से हो जाएगा वेक्टर टी ए। क्लियर है, और इस प्लेट के दूसरी साइड भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी। ठीक है, तो वेक्टर ई इसका भी इस तरफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है, और ऐसी मैंने बताया था कल भी जो सिलेंड्रिकल सरफेस था उसके तीन जगह माने थे ऐसे, है ना, डी ए वैक्टर डी ए करके, तो क्योंकि सरफेस तीन थे ना, एक तो ये वाले दो सरफेस थे और एक ये वाला कर्व्ड सरफेस था, तो आज भी कर्व्ड सरफेस पे भी मान लो, तो कर्व्ड सरफेस में मान लो ये एरिया है आपका डी ए, तो वैक्टर डी ए इस तरीके से हो जाएगा ऊपर की तरफ, और ये एरिया कितना है आपका डी ए। तो देखो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर तो इस तरफ ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर जाता है, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम था। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेट है, और इसे इस तरीके से क्यों बनाया गया है, यानी ये ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इसका एक्सटेंशन कैसा है, इनफाइनाइट, पता नहीं है कहाँ तक है, सीधी लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ तक ही है। ठीक है, और प्लेट कह दो सीट कह दो एक ही बात है, चार्ज है, तो हमने क्या समझ लिया कि पूरी पर पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, और वो चार्ज मान लो कितना है, स्मॉल क्यू प्लस क्यू, है ना, और आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, इधर भी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो सकता है क्यू, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग, और ये नॉन कंडक्टिंग कैसे है, इसके इस सरफेस पर भी चार्ज है, इस सरफेस पर भी चार्ज है, तो है ना, इस सरफेस का चार्ज पार होकर इसके अंदर को पार होकर इस पर नहीं आ सकता, और इस सरफेस का चार्ज इसके अंदर पार होकर इस सरफेस पर नहीं आ सकता, नॉन कंडक्टिंग का मीन्स ये है। यदि ये प्लेट कंडक्टिंग होती तो इस सरफेस का चार्ज इधर आ जाता और इसका इधर आ जाता, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो सकता था फिर। ठीक है, तो बात समझ में आई, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, जैसा डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है, मैं एक बार बोल करके बता देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ नोट्स की हेल्प से लिख लेंगे। देखो क्या है, लेट अस कंसीडर, है ना, ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। क्लियर है, फिर क्या कहेंगे, लेट पी बी द पॉइंट, या ऐसा कह दो लेट प्लस क्यू बी द चार्ज ऑन दिस प्लेट, प्लस क्यू क्या है, चार्ज है इस प्लेट पर, तो फिर क्या कहोगे, लेट पी बी द पॉइंट, या लेट, देखो इधर भी पॉइंट हो सकता है इधर भी पॉइंट हो सकता है, तो इस तरीके से कहो, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे इधर देख लो चाहे उधर देख लो, है ना, तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, क्या है ये, प्लेट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट। क्लियर है, तो बाकी सारी बातें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, तो कह देना ऑल ऑल दीज, है ना, या ऑल ऑफ
दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में दिखाई गई है। देन फिर मेन बात पे आते हैं, हमें गॉस थ्योरम की हेल्प लेनी है और प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एरिया के द्वारा, ये जो स्मॉल एरिया दिख रहा है ना आपको, स्मॉल एरिया ये तीनों, इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे, तो कंप्लीट प्लेट के कारण आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से दिख रहा होगा आपको, देखो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बताओ जी, स्मॉल एरिया से निकलने वाला या गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है। तो देखो स्मॉल एरिया से है तो डी फाई ई कह दो, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई ई वन है ना, इसके लिए वन कह दो चाहे, इसके लिए टू कह दो और इसके लिए थ्री कह दो। तो डी फाई ई वन प्लस डी फाई ई टू और प्लस डी फाई ई थ्री, बात समझ में आई आपको। अब आप इसके फॉर्मूले जानते हैं, फाई ई का डी फाई ई का ना, तीनों का क्या क्या फॉर्मूले हो जाएंगे आइए देख लेते हैं। तो देखो डी फाई ई ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका, जानते हैं आप फॉर्मूला, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, फॉर्मूला सेम है लेकिन एंगल अलग है बस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। नेक्स्ट लाइन में आप फॉर्मूला लगाओ, आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो डी फाई ई क्या है आपका, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ पहले सरफेस के लिए, तो क्या आ जाएगा, दोनों की एंगल सेम है तो एंगल जीरो है, तो ई डी ए कॉस जीरो, और यहाँ देखो ई डी ए सेकेंड वाले के लिए कॉस 90 और थर्ड वाले के लिए ई डी ए कॉस कितना है, यहाँ भी जीरो ही है ना, यहाँ पे एंगल सेम है वो है ना, डायरेक्शन सेम है। तो डी फाई ई कितना आया, कोस 0 1 होता है तो ई डी ए आ जाएगा, और ये तो कोस 90 जीरो होता है और कोस 0 1 होता है तो ई डी ए आ जाएगा। ठीक है, तो डी फाई ई तो यह क्या आ जाएगा, 2 ई डी ए, बात समझ में आ रही है, 2 ई डी ए। अब देखो ये स्मॉल के कारण आ गया, अब करना क्या है, इंटीग्रेशन कर दो कंप्लीट के लिए आ जाएगा। तो देखो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बताओ किस कहां से पास होकर जा रहा है, कंप्लीट एरिया, वो स्मॉल एरिया के लिए था ना, तो अब आप निकालो किसके लिए, कंप्लीट एरिया के लिए, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो कंप्लीट एरिया के लिए क्या हो जाएगा देख के बताएं आप भाई, इंटीग्रेशन तो करना है, ये डी हट जाएगा है ना, तो फाई ई, क्योंकि डी किसके लिए आता है, स्मॉल के लिए, इधर इंटीग्रेशन का साइन 2 ई डी ए, क्लियर है, और ये बंद है पूरा, ये जो गॉसियन सरफेस है, तो कौन सा इंटीग्रल आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो फाई ई गॉस थ्योरम की हेल्प ले लो, आप जानते हो गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई ई इक्वल्स होता है 1/ε0 × Q, दिख रहा है, तो फाई ई की वैल्यू रख दो 1/ε0 × Q और बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल 2E है ना, एक काम करो 2E बाहर ले लो, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, E कैसा है, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और ये हो जाएगा dA, बात समझ आ रही है, चलो। तो ये तो ऐसे रहेगा है ना, नेक्स्ट लाइन में आओ 2E, और देखो ये डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ A बच जाएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो आपने पढ़ा है
सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पूरे सरफेस पर चार्ज बिखरा हुआ है ना इसके, है ना, इस वाले सरफेस पर भी और पीछे वाले सरफेस पर भी। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, और लेकिन लास्ट डेरिवेशन में वो तार लंबा था, लॉन्ग था, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए कहता हूँ पिछला पढ़ लिया करो, है ना, जो भी पिछला आप मैंने करा दिया है वो सारा पढ़ते रहा करो, आगे का तभी समझ में आता है, क्योंकि लिंक होती है चीज़ें। तो क्यू की प्लेस पर आप क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ए, क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ए और टू ई ए। देखो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना आया, ई बराबर आया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, आप दिख रहा होगा, है ना। तो ई की प्लेस पे क्या आया, मतलब ई का जो फॉर्मूला है वो कितना आया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे किसके लिए आया है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट या सीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर थोड़ा और बताता हूँ इसमें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा डेरिवेशन, डेरिवेशन में कोई दिक्कत हो तो आप बताया करें, पता नहीं आप लोग बड़े निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय तो दिखाते हैं ना, किसी का कोई मैसेज है ना, कॉल है ना, ना कोई किसी की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि प्रॉब्लम पढ़ें हम प्रॉब्लम ना आए, ऐसा बहुत कठिन होता है, प्रॉब्लम केवल तब नहीं आती यदि हम पढ़ते नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसे देख लेंगे आप, आइए चलते हैं, देखो एक बात और, ये कैसी प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग, तो यदि ये प्लेट कंडक्टिंग हो जाए ना, तो एक स्पेशल केस कर लेते हैं, स्पेशल केस, ठीक है जी, स्पेशल केस देखो क्या हो जाएगा, मान लो इफ द प्लेट, यदि प्लेट कैसी है, इफ द प्लेट इज कंडक्टिंग, यदि प्लेट कैसी हो जाए, कंडक्टिंग प्लेट हो, यानी नॉन कंडक्टिंग प्लेट ना हो, कंडक्टिंग प्लेट हो, ठीक है, तब क्या होगा, इसे हमें डेरिवेशन के माध्यम से देखना है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो प्लेट कैसी है अब, कंडक्टिंग, तो आइए देखें, कंडक्टिंग प्लेट का मतलब ऐसे है, वो जो प्लेट थी है ना, वो प्लेट ऐसी ही थी लेकिन वो थोड़ी तिरछी रखी थी इस तरीके से, है ना, तो प्लेट अब कैसी है, कंडक्टिंग इस तरीके से, और प्लेट पर जो चार्ज है वो देखो, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है ना, एक साइड मैंने बताया था दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है, और इसके इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कंडक्टिंग प्लेट है, यानी इस साइड का चार्ज इस साइड आ सकता है और इस साइड का चार्ज इस साइड, तो मान लो ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकेंड सरफेस है, आपको पता है पॉइंट पी यहाँ था कहीं, है ना, तो पॉइंट पी पर जो देखो आप देखेंगे फर्स्ट सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के दूर जाती हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो पहले सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेक्टर ई वन, उसके डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्लियर है, पॉइंट पी पर ही देखना है ना। अब देखो इधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट पी पर देखना है, तो इस चार्ज के कारण जो सेकेंड सरफेस पर चार्ज है, इसके कारण जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर दूर जाती हैं, तो यानी वेक्टर ई टू की जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ हो जाएगी। तो आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, बिकॉज है ना वैक्टर ई वन एंड वैक्टर ई टू आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल आर इन सेम डायरेक्शन, बताओ कोई दिक्कत हो तो, दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो है ना जुड़ जाता है, और आप देखेंगे यहाँ से वेक्टर ई वन जो है, ई वन है ना भाई, ये जो ई निकाला था आपने इस वाले सरफेस के लिए निकाला था, है ना, तो मतलब किसी एक सरफेस के कारण निकाला आपने ई, तो ये आया, तो देखो पहले सरफेस के कारण जो है ई
वन हो जाएगा इतना, ठीक है। और दूसरे सरफेस के कारण भी इतना ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो फर्क भी नहीं पड़ता, सिग्मा तो सिग्मा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है ना। तो ये दूसरे सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सेकंड के मतलब फर्स्ट के कारण सेकंड कारण, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो जो वेक्टर ई हो जाएगा ना वो ई वन प्लस ई टू हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे वेक्टर मतलब, तो देखो ई इज इक्वल्स टू वैक्टर ई वन, यानी ई वन की वैल्यू रखो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ रखो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई कितना आया, यहाँ देखो टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और टू से टू आपका कैंसिल, तो जो ई है आपका वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? तो यानी जब कंडक्टिंग प्लेट है तो डेरिवेशन आपकी आपका देखो ये है, यानी इसके अपॉन में टू नहीं है, तो आप याद रखेंगे नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो यहाँ तक करना है, ठीक है, ना कहे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग तो यहाँ तक ही करना है। और यदि कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, तो फिर ये होता है फॉर्मूला, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। स्पेशल केस है, सिलेबस में आपके ये वाला था तो ये वाला सिलेबस में है ना, है भी नहीं लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, निकलवाने के लिए आ भी सकता है, नहीं आएगा भी तो अलग से नहीं पूछेगा, केवल इसकी हेल्प से ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन था, इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, रेस्पॉन्स दीजिए बिल्कुल अच्छे से, और जो क्लास अटेंड करें नाम लिखा करें अपना, है ना, वेरी नाइस, ये सब चीज़ें भले ही आप ना लिखें लेकिन अपना नाम जरूर लिखा करें कि, है ना, एक तरीके से कि आपने क्लास अटेंड की है, ताकि पता चलता रहे कि कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।